शादी के टाइम पे मेन है फोटोशूट जो कि होना बहुत जरूरी है। शादी में यहाँ आज एक खुशखबरी भी मिली है, ड्रोन को देखने के लिए इतने सारे छोटे बच्चे आ गए। बाकी गांव में पहले कुछ ऐसे घर हुआ करते थे, ज्यादातर जो काम है सभी मिल बांट के करते हैं। देखिए जी, एक अच्छा आउटपुट देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। शुभ मांगल गीत गाए जाते हैं, ये गावड़िया दो दहा कोए मासं कल्पवना। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी आज अभी मेरी तैयारी है नीचे मनसुना गांव में जाने की, वहां पे शादी फंक्शन अटेंड करना है और एक जरूरी सा काम भी है वो भी पूरा करना है। गिरिया और मनसुना आपस में लगभग सटे हुए गांव हैं। गिरिया की ओर ऊपर जाते हुए पहला घर ये है हमारा यहां पे। बाकी पास में चौखंबा स्कूल से मनसुना गांव का एरिया स्टार्ट हो जाता है। मनसुना मार्केट से एक रास्ता जाता है ऊपर हमारे गांव गिरिया के लिए, दूसरा ये नीचे वाला मनसुना गांव के लिए। और यहाँ पे ये पास में इंटर कॉलेज की बिल्डिंग भी है, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इस पे भी हमने पढ़ाई करी है 11वीं में हिंदी की। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिखा है राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनसुना का, और यहाँ ना मेरे दादाजी ने भी पढ़ाई करी है। सोचिए कितना पुराना विद्यालय होगा ये। मनसुना गांव के रास्ते तो बड़े सुंदर से हैं भाई, बिल्कुल साफ सुथरे से। बहुत समय के बाद मनसुना गांव में आ रहा हूँ तो बहुत सारा परिवर्तन दिखाई दे रहा है यहाँ। बाकी यहाँ पे है शादी वाला घर, तो यहाँ पे डीजे लगा हुआ है, तो फिर ज्यादा ब्लॉग बनाने को तो होगा नहीं अभी। चलो जी, बारात वाले घर पे पहुंच चुके हैं। अब मेन काम यहाँ पे ये है, जिन अंकल जी लोगों ने हमारे घर पे प्रीति की वेडिंग शूट करी थी उनके साथ अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, और शादी अटेंड भी होगी साथ ही में। अब यहाँ पे ड्रोन शूट करना है पूरे गांव का और यहाँ इस घर का। और पास में ही अपना इंटर कॉलेज भी है, स्कूल की बहुत सारी यादें हैं यहाँ से। इस रास्ते पे हम आया करते थे कभी कभी यहाँ पे पानी पीने के लिए। ड्रोन को देखने के लिए इतने सारे छोटे बच्चे आ गए यहाँ पे, ये देखिए। चलो बताओ कितने का आता होगा? 50,000। 1,000। 50,000। 1,000। 50,000। 50,000। 50,000। 50,000। 50,000। 50,000। 50,000। तो सारे छोटे बच्चों का दिन बन गया आज तो, ड्रोन देख के सब खुश हो गए भाई, और मेरे साथ ऐसे गुल मिल गए कि जैसे मेरे को पहले से जानते होंगे। सब देखते ना वीडियो? सब देखते हैं वीडियो पर। बाकी अब सूट तो कंप्लीट हो गया है, इसके बाद अब जब बारात आएगी तभी सूट करेंगे। बाकी अभी घर पे यहाँ पे हल्दी आद की रस्में चल रही हैं, दुल्हन को बांध दे रहे हैं सभी। तो यहाँ पे सभी ने दुल्हन को बांध दे दिया है, अब यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट। शादी के टाइम पे मेन है फोटोशूट जो कि होना बहुत जरूरी है, सभी की यादें रहती हैं इस दिन की। चलो जी, अभी हल्दी हाथ भी कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद दुल्हन की आरती होती है।
बाकी अभी लहंगे का एक सीन लेना है, तो जो कैमरामैन अंकल जी हैं उनके साथ जरा जा रहा हूँ देखने के लिए कि कैसे सीन लेते हैं, कैसे कैसा सेटअप करते हैं। बाकी यहाँ पे है पुराने जमाने का घर, पहले के जमाने में ऐसे डिजाइन निकाले रहते थे कुछ घरों पे। और यहाँ पे हो चुकी है दिन के लंच की तैयारी। बाकी गाँव में ज्यादातर जो काम है सभी मिल बांट के करते हैं। थोड़ा सा आगे आए हैं कुछ सूट के लिए, तो यहाँ पे एक मंदिर भी है। इन जगहों पे पहली बार आना हो रहा है, शादी के बहाने ही सही। देखिए जी, एक अच्छा आउटपुट देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब अपने पास जितनी जगह है, जैसी स्थिति है, उसके हिसाब से सब चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। बाकी ठीक सामने पे मनसुना गांव के जो पुराने पुराने घर है ना, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ठीक पीछे चौखंबा पर्वत की चोटियां और भी सुंदर माहौल बनाती हैं। और यहीं पास में है माँ मलना माई का मंदिर। और इस गांव की कहानी है कि यहीं पे माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था। और ये स्थान रिलेट करता है माँ मलना माई के मंदिर से, जहाँ हम पिछली बार ट्रैक के लिए गए थे। बहुत सारी कहानियां हैं, कभी इस गांव में अच्छे से भ्रमण करेंगे तो उसके बाद आपको सब जगह दिखाएंगे। और पहले के जमाने के घरों की ये बातें देखिए, जो खिड़की दरवाजे रहते थे ना, बहुत छोटे छोटे, लगभग 4 फीट के आसपास का ये दरवाजा होगा और लगभग 1-1.5 फीट की ये मोरी बोलते हैं इनको खिड़की होगी। सोचे उस जमाने में इतने छोटे छोटे घर रहते थे, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा होता था उस टाइम पे। बाकी घर के दूसरी तरफ यहाँ पे वेदी बनाई जा रही है, जो कि मेन मेहमानों की नजरों से जरा दूर रहती है, उनकी नजर इस पर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे अगर सीन लेने को होगा ड्रोन का, जब फेरे होंगे उस टाइम पे, तो उसी का हम देख रहे हैं कि जगह कैसी है क्या है, क्योंकि हर जगह पे तो ड्रोन का सीन ले नहीं सकते हैं, क्योंकि पेड़ भी हैं, तार भी हैं, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है भाई। शादी में यहाँ आज एक खुशखबरी भी मिली है। आज वैसाखी के दिन पे ही द्वितीय केदार भगवान मध्वेश्वर जी के कपाट खुलने की तिथि भी निर्धारित होती है, जो कि इस साल 20 मई को। तो उसके बाद आप भगवान जी के मंदिर में आ सकते हैं दर्शनों के लिए। और यही मनसुना गांव से होते हुए भगवान जी की डोली आगे मध्वेश्वर धाम के लिए जाएगी, तो उस यात्रा में भी हम शामिल होने की जरूर से कोशिश करेंगे। दिन के 1:30 बज रहे हैं, बस थोड़ी देर में बारात आती होगी, तो मैं आया हूँ थोड़ा बारात वाले घर से दूर लोकेशन सेट करने के लिए कि कहां से मुझे ड्रोन के सीन लेने हैं बारात आते हुए। अभी गांव का रास्ता है तो यहीं से बारात आएगी, शायद यहां पे भी सही अच्छे से सीन आएंगे। बाकी यहां से घोड़े कच्चर जा रहे हैं बारातियों को लेने के लिए भाई। चलो जी, बारात बस आने ही वाली है, मैं तो अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, यहीं से अच्छे से सीन लेंगे। बाकी पास में ये अपने मनसुना का इंटर कॉलेज, यहीं हमने पढ़ाई करी है और इस जगह पे हमने 9th और 10th की पढ़ाई करी थी। इस वाली बिल्डिंग पे हमारी हिंदी की क्लासेस चलती थी। बाराती बस पहुंच चुकी है, बस अब सीन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका हूं। देखते हैं कैसे सीन आते हैं। अच्छी बात यह कि आज मौसम काफी सही है अच्छे अच्छे सीन लेने के लिए। जैसे सीन अभी पॉसिबल थे सारे ले लिए हैं, बस अभी ड्रोन हवा में ही है, 2-4 कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे सीन लेने की। चलो जी, जितने सीन पॉसिबल हो सके सारे ले लिए हैं, बाकी बारात भी घर पे पहुंच चुकी है। तो चलिए जी, अभी यहाँ पे चल रहा है दुल्हन का फोटोशूट। बाकी गांव में पहले कुछ ऐसे घर हुआ करते थे, और ऊपर हैं खोली के गणेश जी। और यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता देखिए, सीढ़ियों के स्टेप कितने ऊंचे ऊंचे से हैं, और पूरी लकड़ी पे कारीगरी निकाली गई है उस जमाने की। इन ऐसे घरों पे ज्यादातर लकड़ी, पत्थर और मिट्टी का काम रहता है। और जो जंगला है ना, वो काफी अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। इस पे देखिए टिन की जो झालर है वो भी लगा रखी है अच्छे डिजाइन से। यहाँ पे लगे हैं दुल्हन के फोटो शूट में, और ये वाला टाइम मेहमान सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं कब दुल्हन आए और कब जयमाला हो। जयमाला के बाद सभी लोग लंच करते हैं, और धीरे धीरे ना सामने से मौसम भी गड़बड़ होते जा रहा है। योगा वाड़ा दूध पैसा
सेना गो कोला सोसा टे सोली पे सेना गो कोला नोला सहगा वड़े ये गोकल बाई होना पर कोई दे गोकोल लियोना गवा ये दोदा ये गावड़िया दोदा कोई मा संकल्प होना ये गावड़िया दोदो मा संकल्प होना। वैसे शादी ब्याह के टाइम पे ना गांव की चाची बॉडी लोगों के द्वारा शुभ मांगल गीत गाए जाते हैं और यहाँ पे जो बॉडी जी शुभ मांगल गीत गा रही हैं उनकी आवाज़ तो बड़ी प्यारी सी है भाई, बहुत ही अच्छे लय के साथ वो मांगल गीत गा रहे हैं। ये वैद्य का बोला हवा बे में साना जोदा वैद्य का बोला हवा बे में साना जोदा बे में साना जोदा सो मान गजाना यो बाटू गो दरते आड़ो दियोलो को जालो बारहमा आरोणी बोलोना को जालो बारमा आरोणी बोलोना ये नारद ऋषि जालो आरोणी बोलोना नारद ऋषि जालो आरोणी बोलोना। नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इनको दे दो इनको। वेदी के टाइम पर दूल्हे वालों से दुल्हन पक्ष के द्वारा पैसे मांगे जाते हैं जिसमें दगड़ तोड़ाई कुफल की और जठल की होती है। दगड़ तोड़ाई मतलब कि दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं वो पैसे मांगती हैं, जठल की मतलब दुल्हन की कोई बड़ी बहन होगी वो मांगती है, और कुफल की दुल्हन की जो बुआ लोग वो सब पैसे मांगते हैं। तो ये एक रिवाज है, वही सब अभी यहाँ पे चल रहा है। अभी वेदी की रस्में पूरी हो चुकी हैं, इसके बाद दान होगा, फिर उसके बाद विदाई होगी। विदाई अगर अंधेरा होने से पहले होती है तो फिर हम ड्रोन से एक दो सीन और लेंगे। बस अब थोड़ी देर में विदाई होने वाली है तो विदाई के सीन भी लेना बड़ा जरूरी है। अच्छी बात है कि अभी तक उजाला है तो अच्छे से सीन आ सकते हैं। चलो जी, अंधेरा होने से पहले विदाई हो चुकी है, बाकी अच्छे सीन आए विदाई के टाइम पे भी। तो ऐसा होता है भाई, शादी के दिन खूब चकाचौंध रहती है दुल्हन के घर पे, बाकी जैसे विदाई होती है दुल्हन की उसके बाद घर हो जाता है सुनसान। बाय 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 बाय। आज भी कोशिश तो करिए है अपनी तरफ से बेस्ट ड्रोन सीन लेने की, देखते हैं रिजल्ट कैसे रहता है, वो तो आपको वीडियो में दिख ही गया होगा। अब ड्रोन शॉट का ऐसा होता है ना कि खुली खुली जगह चाहिए होती है तभी अच्छे सीन आते हैं, पर जहाँ पे जगह नहीं रहती है तो वहाँ पे फिर उस हिसाब से उड़ाना पड़ता है। चलो जी, आज का शूट भी हुआ कंप्लीट, बाकी अच्छा लगा ड्रोन शूट करके अपने बगल पड़ोस के गांव में, और बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ और बहुत सारे लोग अपनी वीडियो भी देखते थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अंकल जी की ड्यूटी भी सख्त है भाई, जब तक बरात निपटी नहीं तब तक है बस, और उसके बाद पूरा डाटा डंप करना है अपने कंप्यूटर में। चलो जी, अंधेरा होते होते घर पे पहुंच चुका हूँ, बाकी माँ पापा मस्त मजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। बाकी कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन मनसुना गाँव में, कभी मनसुना गांव जाएंगे अच्छे से आपको घुमाएंगे, और ये हो सकता है मधमेश्वर डोली यात्रा के टाइम पे जो कि अब मई के महीने में होने वाली है, और 20 तारीख को भगवान मधमेश्वर जी के कपाट भी खुल रहे हैं मई में, तो आप लोग भी आमंत्रित हैं, आइए मधमेश्वर घाटी में घूमिए, भगवान जी के दर्शन कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।